यूक्रेन पर हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अब खबर है कि 1 लाख नहीं बल्कि यूक्रेन सीमा पर 1,30,000 सैनिक बड़े पैमाने पर तैनात कर दिए गए हैं। इसी बीच नाटो ने भी पूर्वी यूरोप में गतिविधियां तेज कर दी हैं। उधर अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जंग के इस खतरे का असली खामियाजा इकोनॉमी को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी हालत कोविड-19 महामारी ने पहले ही खराब कर दी है। SEBR की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जंग का माहौल सबसे ज्यादा तकलीफ यूक्रेन और यूरोप को दे रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था काफी सुस्त पड़ी है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर वे अब भी यूक्रेन से बहुत आगे है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार इस साल यूक्रेन की GDP का साइज $184.92 बिलियन हो जाने का अनुमान है। दूसरी ओर रूस की अर्थव्यवस्था इस साल $1,700 बिलियन की हो सकती है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों की माने तो 2013 में रूस की GDP का साइज करीब $2,300 बिलियन का था। इसके बाद रूस की GDP कम भले हुई, लेकिन ये अब भी यूक्रेन की तुलना में करीब 10 गुना बड़ा है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 से यूक्रेन का रूस के साथ विवाद शुरू हुआ है और तब से यूक्रेन को $280 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि रूस के साथ विवाद के चलते महज 6 साल में यूक्रेन की GDP का साइज आधे से भी कम रह गया है। 2014 में क्रीमिया को लेकर हुई जंग ने अकेले यूक्रेन को $58 बिलियन का नुकसान दिया। क्रीमिया फिलहाल रूस के नियंत्रण में है। सैन्य विवाद से यूक्रेन को हर मोर्चे पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2014 से 2020 के दौरान यूक्रेन को इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर $72 बिलियन का नुकसान हुआ है। इससे पता चलता है कि विवाद के चलते यूक्रेन में इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हो रहा है। निर्यात के मामले में देखें तो इन 6 सालों में यूक्रेन को $162 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। क्रीमिया और डोनबस विवाद में यूक्रेन की काफी संपत्तियां भी बर्बाद हुई हैं और CEBR के आकलन के अनुसार यहां यूक्रेन को $117 बिलियन का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर रूस की बात करें तो उसके लिए ये विवाद फायदे का सौदा साबित हो रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था के लिए तेल सबसे जरूरी चीज है। रूस के बजट में करीब 40% रेवेन्यू का सोर्स अकेले तेल है। रूस के निर्यात की बात करें तो इसमें करीब 60% हिस्सा तेल का है। जब जब कच्चा तेल सस्ता होता है, रूस की इकोनॉमी का साइज तेजी से गिरता है। वहीं कच्चा तेल के महंगा होते ही रूस की इकोनॉमी उड़ान भरने लगती है। 2014 में कच्चा तेल का भाव टूटने पर महज 6 महीने में रूस की करेंसी रूबल की वैल्यू 59% गिर गई थी। कच्चा तेल का भाव अभी यूक्रेन संकट के चलते अपने सर्वकालिक उच्च स्तर के आसपास है। ब्रेंट क्रूड सितंबर 2014 में $96.78 प्रति बैरल के रिकॉर्ड हाई पर था। अभी ये $96.48 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। एनालिस्ट इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के जारी विवाद के चलते कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के लेवल को पार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये रूस की इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। वहीं रूस के तेल पर निर्भर यूरोपीय देशों की हालत खराब होगी। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 Digital।